तो आई सेड नहीं, ईद नहीं हो सकती ऐसी. सो दो दिन मैं अपने जो इमीडिएट जो फैमिली है ना उनसे मिली हूँ, और ऐसे के यू नो ऐसे ऐसे ही बैठे हैं. माय जिठानी वुड से के हम तो हमने तो हाथ भी नहीं मिलाए, हमने तो कोनिया मिलाई और हम तो मिले भी नहीं ठीक से. क्योंकि अगले ही दिन आई गॉट कोविड, माय होल फैमिली गॉट कोविड, माय होल ससुराल, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. और कुछ उस वक्त पता नहीं होगा कि किसको किसी को एक को होगा, तो जिससे स्प्रेड हुआ होगा. केयर अबाउट इट आल्सो, उससे क्या फर्क पड़ता ही चलता है. हां उससे क्या फर्क पड़ जाता है, उससे आपके इलाज में, आपके हस्बैंड, आपका बेटा और बेटी वो सेफ थे माशाल्लाह. हां माशाल्लाह अभी तक दे सेफ, हां अल्लाह का शुक्र है. इसकी साइंस समझ ही नहीं आ रही ना कोविड की, हो क्या रही है. सिर्फ अल्लाह मियां को पता है, इसकी साइंस अभी तक पता ही नहीं चल रही. अल्लाह मियां को पता है उसे जिसको बीमार करना है और जिसको उसका उसकी तिमारदारी के लिए ओके रखना है. कैसे आपको पता चला, आपको सिम्टम्स क्या आए थे? ईद के अगले दिन, ईद पे हम वी वेंट एंड मेट लिटिल बिट ऑफ फैमिली. ओके, उसके अगले दिन आई मेट अ लिटिल बिट ऑफ फैमिली. और तीसरे दिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैंने तारिक को कहा, तारिक ने कुछ कहा कि मेरे पता नहीं जिस्म में दर्द है या कुछ ऐसे. तारिक मुझे लगता है मुझे रात को बुखार रहा है हल्का. एंड ही सेड के अच्छा. एंड आई सेड मैं आज टेस्ट करवा रही हूँ, बिकॉज उस वक्त मैंने कराया एंटीबॉडी टेस्ट जो कि क्लियर आ गया ना उस अच्छा. वक्त कुछ भी नहीं था. सो आई सेड मैं टेस्ट करवा रही हूँ और मैं क्वारंटीन कर रही हूँ. बड़ी मेरी मैं स्पिरिटेड थी कि मैं तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट वीक ऑफ डिस्कम्फर्ट और उसके बाद आई विल बी आउट ऑफ इट. कोई नहीं, क्वारंटीन करूंगी और मैं तो अकेले बहुत खुश रहने वाला बंदा हूँ. मुझे कभी जिंदगी में मसला नहीं हुआ अकेले रहने में, बल्कि आई रादर बी ऑन माय ओन विद माय बुक्स, टीवी सब कुछ है, फोन है, इंटरनेट है. आई थिंक को तीन दिन गुजरे थे ड्यूरिंग क्वारंटाइन विदाउट टेस्ट. हाँ एंटीबॉडी का नेगेटिव आ गया मगर मेरा बुखार जो था वो स्पाइक कर गया. ओके और वो चला गया 103 पे. द होल नाइट आई हैड फीवर. सुबह मैं उठती थी. उस वक्त आप आइसोलेटेड थी या नहीं? आइसोलेटेड पहले दिन से. आई थिंक दैट्स व्हाई ये लोग बच गए. ओके ओके, क्योंकि मैंने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया. मैंने पहले मोमेंट पे जब मुझे हल्का बुखार था एंटीबॉडी भी करा ली, बट मैंने कमरा लेता कर लिया था और मुझे ये लोग खाने वाने सप्लाई कर रहे थे. हमने एक सिस्टम बना लिया था बड़े खुशी खुशी, एक पिकनिक सी हमने फॉर्मुलेट कर ली थी ना कि तुम लोग यूं खाना रख दोगे, फोन था, बात कर रहे थे, राइट से तुम खाना रख दोगे ट्रॉली पे, डोंट इवन ट्राई एंड कम इन. मैं यू नो मेरा जो पेट है उसको बाहर निकाल दिया था, तो बेचारा सबसे ज्यादा अपसेट था क्योंकि उसको अंदर आना था मेरे पास और ये क्या हो रहा है उसको समझ नहीं आ रहा था. सो आई वॉज क्वारंटीन, बुखार था, आई वॉज टेकिंग इट इन अ स्ट्राइड, कोई मसला नहीं है. मैं सुबह सो के उठती थी तो मुझे 103 बुखार होता था. आई जस्ट गो स्टैंड इन अंडर द शावर डायरेक्टली कि ये जरा सा काम ऐसे ही होगा. पैनाडोल कुछ नहीं कर रही. अच्छा आपने कोई पैनाडोल वगैरह कुछ नहीं? नहीं, नहीं मैंने लिया आपने कांस्टेंट, बट इट वुड डू नथिंग. ओके अच्छा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता? नहीं कुछ भी, जरा देर के लिए भी बुखार नहीं होता. ऐसे जैसे पैनाडोल से शायद 103 से 102 पे आ जाता होगा, बट दैट वाज अबाउट इट. ओके एंड देन आई स्टार्टेड लूजिंग होप. फिर तीसरे दिन मैंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव भी आ गया. तीन दिन का क्वारंटीन जो था ना वो काफी था मेरे लिए. आई डोंट नो व्हाई That happened to me. तो मैं आई जस्ट यू नो मुझे मुझे क्योंकि मुझे फिर उसके बाद मुझे नौसियाँ शुरू हो गया, उसके बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई, उसके बाद मुझे ड्रिपें लगनी शुरू हो गई बिकॉज देन द डॉक्टर हैड टू कम. आपने सना मक्की की चाय ली थी? ली थी. क्या किया था, कैसे बनाई थी उसको? मिना ने बनाई थी और ज्यादा डाल दी थी पत्ते शायद. ओके शायद बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं था कितना डालना है क्योंकि उस वक्त किसी को पता नहीं चल रहा था. बहुत सारे लोग जिन्होंने एक एक डेढ़ टी स्पून डाल दिया उनको I had loose stomach also, but once only. Achha. But after that, I started having vomitings, a whole lot of vomitings. मतलब मैं ORS मेरे पास था, मैं पी रही थी, मुझे कुछ नहीं उसका. और वो सब आप अकेले कमरे में थी, isolated थी, ये सब आप खुद कर रही थी. तो जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो उसके साथ आइसोलेशन जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज थी क्योंकि आप बीमार हैं और काफी बीमार हैं और आपने अपना ख्याल भी खुद ही रखना. मतलब आपने आपके पास कोई भी नहीं है. एक डॉक्टर आएगा जो कि आपको ड्रिप मुझे लग रही थी उस वक्त भी घर में और वो मुझे फ्लैजल भी दे रहा था और पता नहीं जो जो कुछ वो बेचारे कर सकते थे. ट्रायल एंड एरर है ना अभी तक भी. खांसी नजला था कि नहीं? नहीं कुछ भी नहीं. बुखार एंड नौजिया एंड पेट में दर्द कांस्टेंट और वॉमिटिंग्स और बुखार हाई फीवर. अच्छा आपको उस वक्त जो खाने पीने की चीजें थी उसका टेस्ट स्मेल ये सब
आना जाना हो रहा था कि नहीं? आई थिंक उस वक्त मेरा टेस्ट खत्म हो चुका था बिकॉज मीना ने मुझे एक कोई राइस की कोई सम शी सेंट इन समथिंग कि अम्मा ये ले ले लेकिन बहुत मिर्चे हैं. एंड आई सेड नहीं बेटे इतनी तो नहीं है. सो मेरा ख्याल है कि मेरा टेस्ट जो था ना वो खत्म हो चुका था. और ये सब आप फोन पे बच्चों से बात हो रही होती थी? बाहर बात कर रही थी, चीजें रखी थी. बट आफ्टर द फिफ्थ डे आई थिंक मैंने 10 दिन घर में गुजारे जिसमें से 5 दिन मुझे याद है. उसके बाद मुझे याद भी नहीं है क्या हुआ. आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आई वाज कॉलिंग एवरीवन. आई थिंक आई कॉल्ड यू. यू गेव मी द नंबर ऑफ समबडी. यासिर का नंबर दिया था मैंने आपको. फिर आपकी यासिर से बात. एंड देन आई कॉल्ड दैट डॉक्टर जो आपके शो पे आई थी, शोभा. एंड देन आई कॉल्ड डॉक्टर अली जो के बिग बैंग में होते हैं. हां डॉक्टर अली काजमी. हां आई डोंट नो व्हाई आई कॉल्ड हिम. पुअर थिंग. I called each and every doctor that was in my phone book. And I asked them what to do because मुझे ये लग रहा था कि जो भी हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है. और हमें पता नहीं क्या करना है because I am not getting better at all. मतलब कुछ भी जो कहते हैं ना फर्क पड़ा, आज मैं बेहतर हूँ कल से, आज मेरा बुखार कम है, nothing was happening. I was constantly on the phone, on the FaceTime with my brothers and my family, and I'd say एक second and then I'll vomit and then go back to the phone, and life was miserable. तो 5 दिन के बाद I lost track. उसके बाद कब कैसे हॉस्पिटल गई? जाहिर है उस वक्त ये अनकॉन्शियस थी. क्या हुआ ये जानने के लिए आज खास तौर पे इनकी बेटी एज एन एक्ट्रेस हमारे पास नहीं, एज एन रुबीना अशरफ की बेटी हमारे पास है जिसको आप बहुत सारे मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है ना. वो अब मेरा आपका बाजू बन गई है. वो मेरा बचाने वाला फरिश्ता है जिसने मुझे बचाया है. यस शी इज द वन. तो शी माय ब्रदर माय हस्बैंड एंड ऑफ कोर्स माय सन. लेकिन असल में शी डिडंट लेट मी गो. शी वॉज द वन जो मुझे अभी आयशा से मैं बात करी थी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हमारी कोलीग है आयशा खान. शी गॉट कोविड अभी पिछले 2 हफ्ते पहले. आयशा कॉन्टेक्टेड. अच्छा आयशा खान. हाँ अच्छा. सो उसका बहुत स्लाइट माइल्ड था. अच्छा गॉट ओवर इट विद इन आई थिंक 3 डेज. अच्छा. सो आयशा वाज सेइंग कि जब हम लोगों को कॉल करते थे, क्योंकि हम आपके घर में ज्यादा नहीं कॉल करते थे तो हर किसी ने ग्रुप्स बनाए हुए थे. अच्छा. सो वीड कॉल पीपल. तो वो हर कोई हमें कहता था वो तो गई. तो कहती थी कि फिर मैं मीना को परेशान होकर कॉल करती थी कि मीनू मैं ये सुन रही हूँ अम्मा का क्या हाल है. एंड मीना वुड से आई विल नॉट लेट हर गो. आई नो पाकिस्तानी होने के नाते मुल्क में या मुल्क से बाहर कहीं भी हमें पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए. PIA पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन इदारा है और इसकी मजबूती के लिए हम सबको किरदार अदा करना चाहिए. ARY की मुहिम PIA के लिए इसमें रंग भरते हुए मैं PIA के अबूधाबी ऑफिस आया हूँ अपना टिकट PIA से करवाने के लिए. और मेरी गुजारिश है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए वो जहाँ भी हैं PIA से सफर को तरजीह दें. आओ मिलके बनाएं पाकिस्तान. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code, then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.